सर्वप्रथम मीठे मीठे शिव बाबा और हमारे प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा की परम पावन स्मृति में आप सभी भाइयों को, भले बहने बैठी हैं लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी उस परम पिता परमात्मा के नाते, शिव बाबा के नाते हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। तो सर्व भाइयों को आज का भाई दूज का यह पावन त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई दूज के शब्द को यदि हम लें तो आज मुझे जो सुबह सुबह एक विचार आया कि उस शब्द की परिभाषा, तो बाबा ने तो हमें बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है और वो है कि ईश्वरीय नाते से हम सभी अपनी आत्मिक स्मृति के साथ हम वृत्ति के अंदर यह पावन स्मृति ईश्वर के नाते की रखते हैं तो हमारी वृत्ति क्या बन जाती है? भाई भाई की, और पावन वृत्ति बन जाती है। तो बाबा को भी हम भाते हैं, हमको बाबा भाते हैं, तो भाई बाबा को क्या भाया? बाबा को हमारी ये जो पावन वृत्ति है एक दो को भाई भाई देखने की, ये वृत्ति बाबा को भी हम बच्चों की बहुत भाई, तो उसकी भी बाबा हम बच्चों को मुबारक देते हैं। फिर जब हम उसी वृत्ति से जब हम सर्व भाइयों को अर्थात हर एक की देह में स्थित आत्मा को देखते हैं जो कि परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की संतान है, तो उस संबंध से जब हमारी यह दृष्टि देखती है, चाहे तो हमारा तीसरा दिव्य नेत्र जिसके द्वारा हम आत्माएं एक दो को देखती हैं, पहचानती हैं, और साथ साथ हमारे ये स्थूल नेत्र वो भी जब देखते हैं, उसी संबंध से देखते हैं, तो हमारी यह दृष्टि की धारणा, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आप लोगों की ये धारणा जब मैं प्रैक्टिकल में देखता हूँ तो मुझे वो दृष्टि आपकी भाई बहुत अच्छी लगी। और हम बच्चों को भी ये दृष्टि भाती है ना, भाती है सभी को ये दृष्टि, सभी को हम यदि भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो ये दृष्टि कितनी पावन बन जाती है, हमारे नेत्र पावन हो जाते हैं। तो हमें तो वहाँ सतयुग में तन भी पवित्र मिलेगा और हमारी आत्मा भी पवित्र होगी, परंतु उसके संस्कार जो हैं वो तो हमें यहाँ से ही डालने पड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमारी वृत्ति भी पावन बनाई, हमारी दृष्टि भी अपने साथ नाता जोड़कर और संबंध का, ईश्वरीय संबंध का स्नेह देकर हमारी दृष्टि भी बाबा ने पावन बना दी। फिर यदि हमको कहीं देह भान आया कि मेरा तो नारी चोला है और ये नर चोला है, ये भाई है मैं बहन हूँ, या ये पति है पत्नी है, मामा है चाचा है माता है पिता है, परंतु हम ब्राह्मणों को बाबा ने बहुत एक छोटा सा, बहुत नन्ना सा, बड़ा प्यारा न्यारा परिवार दिया है, और वो परिवार ब्रह्मा बाबा के संबंध से भी यदि हम देखें तो हमारा संबंध कहाँ तक है? शिव बाबा के साथ खाली शिव बाबा और हम आत्मा, बस पिता और पुत्र। परंतु जब हम ब्रह्मा बाबा की संतान बनते हैं
तो फिर हमारा आपस में संबंध क्या हो जाता है, भाई और बहन का। तो इस दृष्टि से भी यदि हम अपने इन लौकिक संबंधों को देखते हैं तो हमारी बहुत उसमें सेफ्टी होती है, हम सलामत रहते हैं। और वह सलामती क्या है कि हमारी वृत्ति पवित्र, हमारी दृष्टि पवित्र, हमारी कृति भी पवित्र होती है और फिर उससे हमारी जो प्रवृत्ति है वह भी हमारी पवित्र हो जाती है, क्योंकि हर एक के साथ वृत्ति शब्द लगा हुआ है, प्रवृत्ति में भी वृत्ति है। यदि प्रवृत्ति करते हुए यदि हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की स्मृति के साथ, उस वृत्ति के साथ यदि हम कर्म करते हैं बाबा की याद में, तो हमारे प्रवृत्ति के हर कर्मों के अंदर श्रेष्ठता आ जाती है। और परिवार कितना छोटा कि बस बाबा, माता पिता और हम बच्चे, भाई और बहन, बस स्टॉप, आगे कोई संबंध नहीं है, हमारा इतना ही संबंध है और हम इतने छोटे से परिवार में। परंतु फिर भी इतनी छोटी वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति, परंतु जब हम उस वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति को पवित्रता के साथ, जो कि हमें बाबा ने धारणा में दी है, बाबा ने हम बच्चों के अंदर जो उनके स्वभाव संस्कार हैं, जो हम बच्चों के अंदर श्रीमत देकर उतारे हैं, ज्ञान देकर धारणा कराया है, जो भी हमें योग सिखा कर शक्तियां प्रदान करके और विषय विकारों पर विजय प्राप्त करा के जो हमारी वृत्ति दृष्टि बनाई है, तो हमारा परिवार जो हमारा बना वो बहुत बड़ा, बेहद का विशाल परिवार बाबा ने बना दिया, जहां हमारे सिर्फ 2, 4, 200, 400, 2000, 4000 भाई बहने नहीं, लेकिन पूरा ही विश्व हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारा अपना परिवार हो जाता है, जहां कोई भाषा भेद नहीं, रंग भेद नहीं, जाति भेद नहीं, मेरा पराया नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। बस फिर हम एक ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले चलते हैं जहां पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य है, जहां आत्मा भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, और जो भी वहां प्रकृति है वह भी पावन सतो प्रदान, और जो भी वहां पर साधन है, सारे साधन, जो भी भौतिक साधन है, सारे के सारे वहां पावन 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 मिलते हैं। तो ये सारी प्राप्ति किसके आधार पर, हाँ, बलिहारी किसकी, ये भाई भाई की या भाई बहन की जो वृत्ति है हमारी, जो दृष्टि है हमारी, और श्रीमत पर इसी दृष्टि और वृत्ति के आधार पर हम जो प्रवृत्ति करते हैं कर्म योगी बन करके, और फिर जो हम व्यवहार करते हैं सभी के साथ, उसका यह परिणाम है, नतीजा है, और उसकी ये रिजल्ट है। और बलिहारी कहें तो इसी संबंध की शुद्धता की, सात्विकता की, स्वच्छता की, इस वृत्ति और दृष्टि की। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, आप जब इस धारणा में पक्के होकर के चलते हो, इसकी प्रतिज्ञा आजीवन के लिए जब करते हो, तो मुझे भी आप सबकी ये धारणा अति भाई, अति भाती है। सुना सभी को बाबा बहुत बहुत इसकी भी मुबारक देते हैं। तो ये भाई बीज हमारी दृष्टि वृत्ति की मुबारक लेने का दिन है, हमारी दृष्टि वृत्ति का एक रिजल्ट, जिस रिजल्ट की खुशी प्राप्त करने का ये भाई बीज का ये त्योहार है। क्योंकि हम 16 कला संपूर्ण
बनने जा रहे हैं, तो 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे? हाँ, धीरे धीरे हमारी कलाएं उन्नति को प्राप्त करती हैं। तो सबसे पहले बीज का चांद कैसे होता है? एक लकीर होती है। हाँ, तो बाबा ने हमें एक लकीर दे दी मर्यादा की, श्री मत की, नियमों की। तो हम उस मर्यादा में, उस लकीर में चलते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, चंद्रमा की तरह हमारे गुण, हमारी शक्तियां, हम सब कुछ चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। और जब पूर्ण चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, तो हमारी वह दुनिया आ जाती है जहाँ श्री राधे कृष्ण और श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो इसीलिए हम भाव बीज के दिन खास भाई भाई की वृत्ति को हम क्या करते हैं, जैसे देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है, ऐसे हम भाई भाई की वृत्ति की आरती उतारते हैं। जिसकी भाई भाई की वृत्ति है, जिसकी ऐसी पावन पावन भाई भाई की दृष्टि है, उसको क्या करते हैं, जैसे मंदिर में देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है, उनका पूजन और अर्चन किया जाता है, तो ऐसी दृष्टि रखने वालों का, ऐसी वृत्ति रखने वालों का पूजन और अर्चन किया जाता है। हाँ, तो ये भी पूजा और अर्चना हमें संगम युग पर ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा भक्त बन के तो तुमने बहुत पूजा की, बहुत अर्चना की, बहुत कुछ भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म किए, लेकिन वो क्यों हुए? क्योंकि पावन वृत्ति दृष्टि कृति प्रवृत्ति रही। तो वो अभी प्रैक्टिकल में बाबा हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, सरल राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और फिर सर्व का कल्याण करने की शुभ भावना और शुभ कामना सबके लिए रखना सिखलाया, और हम बच्चों ने सीखा, और सीख करके हम बच्चों ने यह ऐसे त्योहार के दिनों को प्राप्त किया। आज हम जो त्योहार मनाते हैं बिल्कुल अनोखे लगते हैं, हाँ, लोग भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, किसी भी त्योहार को हम नहीं मनाते ऐसा नहीं है, हम सभी त्योहार मनाते हैं, परंतु आध्यात्मिकता के साथ, जिसमें कोई रहस्य समाया हुआ है, जिसमें कोई गुह्य राज छिपे हुए हैं, और वो सारे गुह्य रहस्य, सारे गुह्य राज आध्यात्मिकता के हमारे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों के आगे खोलते हैं, और तब हम सभी बच्चे गाते हैं, तुम मात पिता आगे हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। हाँ, तो आज हम सभी सुख घनेरे का अनुभव कर रहे हैं ना? हाँ, आज हमारे पास जो अनुभूति हो रही है ये भैया दूज पर, वो बहुत ही निराली अनुभूति है, क्योंकि जन्मों जन्म और बरसों बरस सभी ने भाई दूज मनाई होगी, और हर बहन ने अपने भाई को तिलक दिया, आरती उतारी, उसका आशीर्वाद लिया, जो भी किया, लेकिन जो हम संगम युग पर मीठे मीठे शिव बाबा की याद में जो ये वृत्ति दृष्टि की, जो स्वयं के प्रति ये जो पूजन करने की वृत्ति बनाते हैं कि भाई मेरी भी पूजा हो, ऐसी मैं वृत्ति बनाऊं, सभी मुझे भी एक आदर्श के रूप में देखे, या फिर मेरा दिव्य स्वरूप देवी देवता का मैं प्रत्यक्ष करूं, या फिर मैं अपने परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करूं, जब हम ऐसी प्रत्यक्षता करते हैं संगम युग पर, तो ये हमारी वर्तमान समय की प्रैक्टिकल की अर्चना हो जाती है। हाँ, अर्चना में महिमा गाते हैं, कोई ना कोई भजन गाते हैं, कोई श्लोक गाते हैं,
मंत्रोच्चार करते हैं तो हम बच्चे जानते हैं कि हम कौन सा मंत्रोच्चार करते हैं, जो सभी मंत्रों का मूल मंत्र है, मन मना भव। हाँ, बाबा की, एक बाबा की याद में रहना। तो फिर से आप सभी को उसी मात पिता की स्मृति में बहुत बहुत भैया दूज की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति।